हाँ तो गाइज कैसे हो आप सब लोग। गाइज आज का ये वीडियो ना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में गाइज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फ्री फायर के एक नए इवेंट के बारे में, जिसमें आप लोगों को मिल सकता है मैजिक क्यूब। जी हाँ गाइज, आप लोगों ने सही सुना, फ्री फायर के एक नए इवेंट के बारे में जिसमें मिल सकता है आप लोग को मैजिक क्यूब विथ प्रूफ बताने वाला हूँ। और इसी के साथ साथ गाइज एक इमोट के बारे में बात करेंगे, जो मेरे ख्याल से फ्री फायर का सबसे बेस्ट इमोट मुझे आज तक का लग रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को गाइस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि यार फ्री में मैजिक क्यूब मिल रहा है और एक अच्छा इमोट हमको सस्ते में मिल रहा है, इससे बड़ी गुड न्यूज़ और क्या हो सकती है गाइस। तो प्लीज़ इस वीडियो को बीच में स्किप मत करिए गाइस, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेंगे तो ही आप लोग को समझ में आएगा कि आप लोग को मैजिक क्यूब कैसे मिलेगा और वो इमोट इतने सस्ते में क्यों मिल रहा है। तो आइए हम और आप मिलके एंजॉय करते हैं वीडियो को, इस वीडियो को पूरा देखते हैं। तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। गाइस आज का ये वीडियो ना आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस मेरी आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, इतनी अच्छी न्यूज पे गाइस वो भी प्रूफ के साथ बता रहा हूं, तो जल्दी से जल्दी गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल कर दीजिए, ताकि आपको मेरे फ्री फायर के हर एक वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे टाइम टू टाइम जैसे मैं उनको अपलोड करूं। तो आइए गाइस बात करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले तो गाइस आप लोग को मालूम है कि मैंने कुछ ही वीडियो पहले आज वो वीडियो पे 22,000 व्यूज है, उसमें मैंने कवर किया था कि फ्री फायर एक ऐसा इवेंट लेके आ रहा है जिसमें मैजिक क्यूब मिलने वाला है। तो बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट किया था कि भाई तू झूठ बोल रहा है, तुझे नहीं मालूम है, जाके दूसरों का वीडियो देख अपडेट का, उनको सच बताते हैं उन लोग। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई जिसको बिलीव नहीं है ना अभी चला जा सकता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस इंसान को मैजिक क्यूब मिले, क्योंकि ये इवेंट जो है ना उसी इंसान को मैजिक क्यूब मिलेगा जो बंदा ट्रस्ट करता है। फ्री फायर एक ऐसा इवेंट लेके आ रहा है जिसमें ना भाई बोलना थोड़ा मुश्किल है बट आसान है, एकदम आसान है, उसमें अपने को कुछ करना नहीं है। आइए वो इवेंट पहले आप लोग को दिखा देता हूँ। हाँ तो गाइज ये रहा आप लोग के सामने वो इवेंट, शय कांगिनिया कुताते गांगुनिया। अब इसका मतलब ये है कि शय करो और उसके बाद ये सब अवार्ड्स लेके जाओ। पहले अवार्ड में क्या है, अगर हम 1,00,000 बार शय करेंगे तो हमको 4 गन के परमानेंट स्किन मिलेंगे, वाह फ्री फायर। उसके बाद अगर हम 2,50,000 बार शेयर करेंगे तो वाह क्या नया ड्रेस दे रहा है फ्री फायर। उसके बाद हम अगर 350 बार शेयर करेंगे तो कुछ डायमंड्स मिलेंगे, वाह सही बात है। उसके बाद अगर हम 4,50,000 बार शेयर करेंगे तो हमको मिलेगा मैजिक क्यूब। अब भाई ये एक नहीं कि एक बंदे को 4,00,000 बार शेयर करना है, ये पूरे वर्ल्ड का होगा और ये इवेंट पूरे वर्ल्ड में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बस चाइना में या इंडोनेशिया में ये आ रहा है, ना, पूरे वर्ल्ड में ये इवेंट आप लोग को देखने को मिलेगा 25 तारीख को, मतलब रिपब्लिक डे के एक दिन पहले ये इवेंट हम लोग को इंडिया में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग को बिलीव नहीं हो रहा है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 25/1/2020 लिख चुका है यहाँ पे, कंफर्म डेट फ्री फायर की तरफ से आ चुका है, गरीना वालों का सिंबल है। और ये मैंने तो बिल्कुल भी नहीं बनाया क्योंकि ऊपर लैंग्वेज क्या लिखी है मुझे समझ में भी नहीं आता है। आप लोग जाके इंस्टाग्राम चेक कर सकते हैं फ्री फायर का ऑफिशियल, उसमें भी ये मेंशन किया गया है। तो गाइज आप लोग रेडी हो जाइए और एक मैजिक क्यूब लेने के लिए। जी हाँ गाइज, मैं याद रखना गाइज कम से कम आप लोग 10 बंदों को तो शेयर करना ही करना, ये मत रुकना कि भाई एक बंदे को शेयर करके हाँ बाकी तो पूरी दुनिया कंप्लीट कर लेगी, एंड में ऐसा ना हो जाए गाइज आपके 10 बंदे को आपने शेयर नहीं किया वही कम पड़ जाए। तो प्लीज़ जब भी ये इवेंट आए 10-15 दिन के बाद तो प्लीज़ यार जितना हो सके 10-15-20 मैं तो शेयर करूँगा, ठीक है, भले उन लोग डाउनलोड ना करें बस शेयर करने का है, ठीक है, बस मिल जाएगा और कुछ नहीं है गाइज। तो आप लोगों ने देखा गाइज मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, एकदम क्लेरिफाई न्यूज़ देता हूँ विथ प्रूफ के साथ आप लोगों को न्यूज़ देता हूँ। अगर आप लोग को अभी भी अच्छा लग रहा है गाइज तो अभी भी सब्सक्राइब कर दिया और बाजू में दिए बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल कर दीजिए, ताकि आपको मैं फ्री फायर के नोटिफिकेशन मिलते रहे गाइज, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन आजकल जा रही नहीं। अब बात करें गाइज फ्री फायर के एक ऐसे इमोट की जो मुझे सबसे अच्छा लगा, मतलब ये इमोट है कि क्या है, मेरे ख्याल से तो ये इमोट ही है क्योंकि कला ने
कला तो कैरेक्टर आ चुका है एंड ये इमोट हम लोग को मिलेगा 200 डायमंड में, बहुत ही सस्ता है गाइस, क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये इमोट ना 400-500 डायमंड का होना चाहिए, क्योंकि ये फुल कुंगफू इमोट है यार। और कुंगफू इमोट मतलब भाई हद पार यार, मतलब फ्री फायर कुछ ऐसा भी ला सकता था, मैंने सोचा नहीं था, बिकॉज हाथ वाथ तो ठीक है, डांस वांस ठीक है, बट ये कुंगफू इमोट ना तो आज तक मैंने फोर्टनाइट में देखा है, और पबजी की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये तो मैंने अभी तक कहीं पे भी देखा नहीं है, एंड बहुत ही अच्छा लगने वाला है, बहुत ही आला लगने वाला है ये हमको शायद से कल से देखने को, आज 2 तारीख है ना, कल 2 तारीख थी ना, तो मेरे ख्याल से कल या परसों से देखने को मिल जाएगा हमारे इंडियन में, या तो दिखा भी रहेगा, किसका ध्यान नहीं गया रहेगा। तो गाइस बहुत ही मतलब बहुत ही आला इवेंट्स आने वाले हैं ये जनवरी में, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़ा आने वाला है। फ्री मैजिक क्यूब, बाप रे बाप, मतलब भाई हद पार। जब मैंने आज सुबह सुबह उठ के वो न्यूज़ देखी, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले न्यूज़ चेक करता हूँ फ्री फायर का, कि कुछ नया निकले तो मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैंने देखा, मैं बाप रे बाप, ये फ्री फायर मुझे नहीं लगा था कि इतना जल्दी इसका टीज़र दे देगा। मेरी इज्जत बचा ली फ्री फायर ने, जब मैंने बोला था कि फ्री फायर एक इवेंट ला रहा है, क्योंकि यार हम लोग की बात होती रहती है, मतलब उनसे नहीं, उनके जो नीचे काम करते हैं उन लोग से बात होती रहती है, तो यार उससे ही मालूम पड़ता है। एंड थैंक यू सो मच यार कि आप लोगों ने उस वीडियो पर 22K व्यूज़ लेके गए, क्योंकि यार आई नो मेरे 21,000 सब्सक्राइबर है, तो इतने कम व्यूज़ गाइज चलता है, व्यूज़ कम आएंगे चलेगा, आप लोगों का प्यार चाहिए, तो इसी तरह प्यार करते रहे गाइज। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल दिल से यार। इतनी ठंड में ना गाइज क्या 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 छोटा हो रहा है ना, क्या बताऊँ भाई, मतलब बम्बई की ठंड पहली बार ऐसा हुआ है गाइज। बॉम्बे में एक्चुअली ठंड होती नहीं है गाइज, ठीक है, बॉम्बे में ना अगर यहाँ पे 18 डिग्री भी हो गई, इधर लोगों की फट के चार हो जाती है, 18-17 डिग्री भी हो गए तो सोचो यहाँ पे 14-15-13-10 होगा तो भाई लोग घर से नहीं निकलेंगे, क्योंकि बम्बई में ठंड होती नहीं है। बॉम्बे में इतना पॉल्यूशन है ना कि वो ठंड को भी भगा देता है, तो यहाँ पे इस बार ना इतनी ठंड है ना, मैं वैसे तो अभी शर्टलेस हूँ बिकॉज मेरे को ठंड वंड लगती नहीं है, बट अभी लग रही है, क्या करूँ मैं। बाय बाय, सी यू गाइज, टेक केयर, एंड ऐसे हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आई होप 2020 आपके लिए बहुत ही खुशनुमा आ जाए, आपकी गर्लफ्रेंड वापिस आ जाए, आपके मॉम डैड की खूब तरक्की हो, आपकी भी खूब तरक्की हो, आपके मार्क्स भी अच्छे आए, बट हाँ गर्लफ्रेंड से कभी प्यार मत करना। बाय बाय गाइज़।